तो ये है मेरे बॉस की फैमिली, ये है स्वर्णा द बैड कॉप, ये हर चीजों में टांग अड़ाती है, ये है संगीता द गुड कॉप, प्यार के मामले में बिल्कुल मुंहफट, लेकिन ये दोनों ही जालिम है। और ये है श्वेता मेरे बॉस की लाडली। बॉस के दादाजी की फोटो के बगल में एक फ्रेम है जो बॉस के पापा का है, सदाशिव जी। वो तब चल बसे जब मेरे बॉस 12 साल के थे, और तब से मेरे बॉस के माँ पापा हेड ऑफ द फैमिली सिर्फ एक है, उनकी माँ। ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, कभी बैड कॉप बन जाती है और कभी गुड कॉप बन जाती है। सुमा, उस दिन मेरे बॉस बहुत ज्यादा दुखी थे, वो कहीं बाहर भी नहीं गए क्योंकि उस दिन काफी बारिश हो रही थी। डिप्रेशन में बॉस देवदास बन गए और कॉलेज के केमिस्ट्री लैब में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस दिन बॉस ने अपने द ग्रेट टैलेंट को पहचाना और वो परफ्यूम बनाने लगे। सुमा, 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 पुत्रा, गिव मी अ लार्ज वन प्लीज। हेलो सैम। और ये है मेरे बॉस का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट। हाय आई एम इसाबेला। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपके लिए लैंग्वेज को बदल देता हूँ। हेलो सैम, तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम है इसाबेला, मैं श्रुति की बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे लगता है कि हमें कॉफी पीने चलना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? सोचिए, इनका नाम सैम है। सैम, I love you. Oh, no, 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 no. I like you. I like you. मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और उस रात मेरे बॉस को ये समझ में आ गया कि ये प्यार व्यार सब बकवास होता है और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उस दिन के बाद से मेरे बॉस की हर रात रंगीन होने लगी। Did you see her? She's damn hot, man. Yeah, let's call her. She's coming here only. Definitely. Yeah, see? Hey, Avantika. Hello. I'll just come, okay? Wow, she's gorgeous. Oh, really? Look at her. No, no, yeah, she's not bad. She has a nice body. Come on, man. You can do it. Go, talk to her. Seriously? Come on. Yeah. Excuse me. An innocent Indian girl coming your country, working here and there, and putting red hair, and you guys are commenting bloody rocks. Hey, who are you? Why don't you mind your business? Just go home. Okay. Listen, shut up. If you're abusing, abuse in Hindi. At least I can understand. You want are you leaving or you want me to see you? Please take your seat. Please take your seat. Hey, tell me when the order is ready, okay? Hey, those guys are talking about you. Come on, you can do it. Come on. Go, talk to her. What are you thinking? You're beautiful. You are a very handsome boy. What are you doing, man? Give him more. Come on, more. Yeah, why me? Okay. Bye. Hey, did you look at him? Look at him, look at him. Hey, we've got him, bro. Hey. Did you see that? But she's his. Man. His, understood? Yeah. Go find someone else for yourself. Life is a game of cards. Y'all know it's a play of swords. Sometimes I'm who you are. Abhi dekhi chala dure. Go, talk to her. Come on, go talk to her. Hey, beautiful. Should we go for a coffee? What do you say? Just shut your mouth and get lost. You don't like coffee? Tell me. Just buzz off, okay? Oh, okay. No problem. इसीलिए मैंने कहा था, she is mine. Go. Such a dangerous babe. I love you more. Give me more. डॉक्टर ने क्या कहा माँ? कुछ नया नहीं, वही ब्लड प्रेशर ज्यादा है, शुगर पर कंट्रोल करना होगा और क्या। आप कभी साफ साफ नहीं बताती। ये डॉक्टर मुझे दवाई देना बंद कब करेंगे, जबकि मैं जानती हूँ मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। माँ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, अब और ज्यादा नहीं देखना चाहती। आप उसके बारे में इतना क्यों सोचती हैं? वो नालायक है, उसे नहीं पता जिंदगी में चीजों को कैसे संजो कर रखा जाता है। मैं जानती हूँ उसे मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। आप देख लीजिए कमा, एक दिन जरूर होगी। इसी बात का तो डर है, कहीं उसके जाने से पहले मुझे कुछ हो गया और मैं, तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। माँ, जिस दिन उसे इतना प्यार करने वाली मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ, मैं चैन से मर पाऊंगी।
मुझे उससे बात करनी होगी, जल्दी ही करनी होगी। किशोर सर, जरा जल्दी आ, नहीं तो देर हो जाएगी। आ रहा हूँ सर। ए, जल्दी करना यार, लेट हो रहा है। माँ, हर संडे हम लौकी क्यों खाते हैं? मेरा मतलब हम कुछ नया बना सकते हैं ना? मैं बना दूंगा करी, आलू का भरता। मैं शादी से पहले इंडिया में खाना बनाया करता था माँ। ऐसी बात नहीं है, सदा शिवराव को लौकी बहुत पसंद थी, इसलिए हर संडे को खाने में मैं लौकी बनाया करती हूँ, ये परंपरा है। पर अब तो वो यहाँ है ही नहीं ना। क्या मतलब? जब तक सदा शिवराव वास्तव में नहीं मर जाते, ये परंपरा इसी तरह चलती रहेगी। तुम क्या जरा इन्हें बाहर रख दोगे? क्या तुमने लौकी बना ली? ये वास्तव में मरना क्या होता है? चलो अंदर जाओ। हेलो मैम। चलो अंदर। मैम सर, आपके लिए आइसक्रीम लाए थे। क्यों रे, तो इस भुक्कड़ को हर संडे यहाँ क्यों लेकर आता है? क्या तुझे नहीं पता ये फैमिली लंच है? हाँ मैम, मैं भी सर से यही कह रहा था, सॉरी मैं चलता हूँ। रुक, किशोर यहीं रहेगा। और सुन ले, मैं इसको हर संडे लाऊंगा, कोई प्रॉब्लम है? तेरा पति भी तो यहीं रहता है। क्या मतलब, तुम दोनों उसे क्या समझते? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तेरे साथ तेरे घर पर ही रहता है और तू हर संडे से यहाँ लेकर आता है, आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? तुझे क्या लगता है? ये क्या बोल रहे हो? बहुत सही बात बोलो ना। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस पॉइंटिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ अस, यू आर ड्रॉइंग टुवर्ड्स अ कंक्लूजन वेयर ऑनेस्टली देयर इज नो रियलिटी। बट प्लीज बिलीव मी मैडम, व्हेन आई से द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ अस इज प्योरली प्रोफेशनल, द इमोशनल लिंक्स टुवर्ड्स ईच अदर इज फ्रेंडली नेचर, इन फैक्ट ब्रदरली। इट माइट बी जस्ट ह्यूमर्स इन अदर्स माइंड, बट इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर माय पेरेंट्स हु इज लुकिंग फॉर अ मैच फॉर मी ऑन इंडियन मैट्रिमोनियल साइट्स। सो व्हेन आई से आई बेग यू, आई मीन फ्रॉम माय हार्ट, प्लीज मैम, आई बेग यू, प्लीज मैम। हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, स्कूल में भी नहीं आती थी। ब्लडी साइकोपैथ फैमिली। किशोर क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सर। सॉल्ट चाहिए तुम्हें? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं तो ये दे रहा हूं। अच्छा तुमने सॉल्ट बोला, इनकी बातें मेरी समझ में कभी नहीं आई। नहीं मुझे नहीं चाहिए सर। संगीता सैलेड दे रहा। मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। देखो, एक माँ होने के नाते मेरे कुछ फर्ज हैं जो मुझे पूरे करने हैं, और बेटा होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम मेरी बात मानो। तुम कब तक ऐसे अकेले रहना चाहते हो बेटा? तुम्हें आने वाले दिनों में जल्दी ही शादी करनी होगी। आपको शादी करनी होगी सर? इस उम्र में मुरझाए पौधे को पानी देना बेकार है सर। कोई फायदा नहीं। आप शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकती माँ, बल्कि किसी भी माँ बाप को दबाव नहीं डालना चाहिए। आपने मुझसे कभी पूछा कि बेटा तुझे मैं जन्म दूं या नहीं दूं? मुझे बड़ा करना ही एक माँ होने के नाते आपका फर्ज, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे जब से पैदा हुए तब से स्कूल कॉलेज शादी नौकरी और बच्चे, उसके बाद हमारे बच्चों का भी यही होगा, स्कूल कॉलेज शादी नौकरी और बच्चे। यस सर, ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता और ना ही कभी करूंगा। मेरी जिंदगी अब मेरी जिम्मेदारी है। खुद की जिंदगी क्या संभालेगा, बाल तक तो नहीं बना पाता। और तुझे याद है तू ये कहकर गया था कि तू किसी भी तरह अपना ख्याल खुद ही रखना सीख लेगा और तुझे हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हुआ? तेरी जगह साफ सफाई करने के लिए हमें हफ्ते में 3 बार वहाँ जाना पड़ता था, और तुझे तो वॉशिंग मशीन तक चलानी नहीं आती है। जब से तू पैदा हुआ है ना, तेरी सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही तो है। काफी उम्र हो गई है, तेरी शादी अब तक नहीं हुई। कोई बात नहीं बहन, आपसे अपने काम मैं खुद करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं शादी नहीं करूंगा। ये तो तू पिछले 20 सालों से कह रहा है, तुझे हमारी मदद भी नहीं चाहिए, इसलिए ये सब झेल रहा है। और हमने हार मान ली क्योंकि तुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकते। हमें लगता है कि हमारा भाई इतनी सारी परेशानी आखिर झेलेगा कैसे, इसलिए कहते हैं शादी कर ले। लेकिन अब नहीं होगा। हाँ आपको शादी करनी होगी बस। हाँ तू भी? क्यों नहीं भैया, मैं भी आपकी शादी देखना चाहती हूँ। आपके बच्चों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा क्या? बस करो, इसे अपने घर की परंपरा के हिसाब से करते हैं, वोटिंग होगी। अब यही बाकी रह गया था। पोर्तुगीज है क्या? हिंदी है। कौन सी जगह? अब सैम की 3 महीने के अंदर शादी होकर ही रहेगी, जो नहीं चाहता हाथ ऊपर करे। जो चाहता है शादी हो वो हाथ ऊपर करे। हो गया फैसला, अब अगले 3 महीने में सैम की शादी हो जानी चाहिए। चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। अब ये तो हिंदी था, नहीं तो क्या पोर्चुगीज? जीसस। खाना नहीं छोड़ना चाहिए सर। ओके ओके ओके, कमिंग कमिंग। माँ वो तो चला गया, अब क्या करेंगे? उसने तो बात भी नहीं सुनी हमारी। चिंता मत करो, मैं जानती हूँ उसे कैसे समझाना है, मैं सब कर लूंगी। हाय एक्सक्यूज मी, आई एम हियर टू सी माय नेफ्यू सिद्धार्थ।
He's in there. Okay, thank you so much. Sidhu? मुझे अपने साथ कब लेकर जाओगे? जल्दी ले जाऊंगी। हेलो जननी। हे अवंतिका। आर यू बिजी? नो, कम इन, कम इन। मैं फाइल के बारे में जानना चाहती हूँ, अप्रूव हो गई क्या? सिद्धू की फाइल अब तक चेक नहीं हुई है। तुम बुरा मत मानना, लेकिन शायद अप्रूव भी नहीं होगी। तुम अकेली रहती हो, तुम्हें स्मोकिंग की हैबिट है, स्टडी जॉब भी नहीं है, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी नहीं है। मैंने बताया था ना, मैं अपनी पोएम्स पब्लिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अगर नहीं हुई तो? वो मेरी बहन का बेटा है, मेरा उस पर तो हक है ना, उससे मुझे कोई कैसे अलग कर सकता है? अवंतिका, ये इंडिया नहीं है। यहाँ माँ बाप के मरने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, और तुम्हें अप्रूवल लेना ही होगा, भले ही उससे खून का रिश्ता क्यों ना हो। मैं कुछ नहीं कर सकती। अडॉप्ट तो मैं करके रहूंगी, तुम्हारी मदद के बिना ही सही। बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जल्दी हो जाएगा। क्या ये तुम हो? Hi, it's me, Latika. कल रात हमने फेसबुक पर चैटिंग की थी। मेरा फेसबुक पर अकाउंट नहीं है, ये चैट करने वाला मैं नहीं, ये कोई और होगा मेरी फैमिली से। नो, वो आप ही थे। आपने कहा था कि 3 महीने में आपकी शादी होने वाली है, फिर मैंने आपको ब्लशिंग वाला इमोजी भेजा था, आपको याद नहीं? लतिका, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं हनीमून पर जा सकता हूँ, तुम चाहो तो। ये क्या कह रहे हो? जो तुमने सुना। गो टू हेल। कोई बात नहीं। बाय। देखो इसको, बदतमीज। इतनी अच्छी लड़की थी और इसने ऐसा किया, इसे तो मैं अरे दीदी क्या करें, चलो, 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 चलो। मेरी बॉस की बहनें ऐसे मानने वाली नहीं थी। कसंड्रा की सारी इंडियन लड़कियां उन्होंने बॉस के पास भेज दी। 19, 20, 21 टोटल 21 लड़कियां भेजी थी इसके पास, सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है इसने। हम तुझसे तंग आ चुके हैं, पता नहीं तू कब वाली कौन सी टाइप की लड़की चाहिए तुझे। मैं तुझसे बात कर रही हूं, सुनता है कि नहीं? मैं तुझसे कह रही हूं। अब पेंसी क्यों मार रहा है? अब आप ही बात करो इससे, पेंट टूट जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है? अब मैंने क्या किया सर? चिंता मत कर, चिंता मत कर। ओके सर। माँ जी भी गई, उन्होंने गलत गिना। हाँ सर, 24 लड़कियां और एक औरत थी। 25 लड़कियां। लगता है मेरा स्वयंवर करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप इतने हैंडसम दिखते हो, लड़कियां आप पर मरती हैं। मतलब कि उनका पर्सपेक्टिव है और आपके पर्सपेक्टिव से तो इरिस्पेक्टिव हो जाएगा ना, इसीलिए पर्सपेक्टिव तो। सर माँ जी आ रही है। माँ ये क्या कर रही हो? माँ छोड़ो इसे, लाओ मुझे दो। आप बैठो। तो मैं और क्या कर सकती हूँ? आप पहले बैठो। तू भी बैठ, बैठ जा, बैठ ना। हाँ लो बैठ गया। तू भी बैठ। तूने कहा था कि तुझे बड़ा करना मेरा फर्ज था, लेकिन तू मेरा बेटा है, मुझे हर वक्त तेरी चिंता लगी रहती है। तेरी बहनें कब तक रहेंगी? माँ मेरा यकीन करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। तेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। देख, हर चीज उम्र के रहते हो जानी चाहिए, यहाँ तक कि वो क्या कहते हैं आजकल, तुम्हारी वर्जिन। तू अभी भी वर्जिन है बेटा। माँ जानती थी। माँ, जीवन में मन की शांति ही सबसे बढ़कर है। और तन की शांति का क्या? बिना हेजिटेशन के अपनी खुद की माँ से इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ कैसे बोल लेते हो बॉस? इट टेक्स गट्स बॉस। क्या आपने मेरे किशोर, क्या हुआ किशोर, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, वो क्या है कि चींटी ने काट लिया बहुत जोर से। कहाँ? प्लेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, पेयर इज इम्पोर्टेंट। देख ना जरा, देख किशोर।